हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका कि नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ विलुप्त जात के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आने वाले सारस जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। यहाँ पर बहुतायत में पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। इसे वर्ष 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसका नाम केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया, जो इसी उद्यान में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक ढलान होने के कारण अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता था, इसलिए भरतपुर के शासक ने यहाँ अजान बांध का निर्माण करवाया। यह बांध दो नदियों गंभीर और बाण गंगा के संगम पर बनाया गया था। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग चीतल हिरणों को पकड़ने, उन्हें मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था, इसीलिए ये उद्यान बहुत ही चर्चा में है तथा यूपीएससी सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही तो आज का क्वेश्चन है, विश्व में सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, इनकी आपको संख्या बतानी है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर SDVision को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।